हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं इस वीडियो में इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा। क्या भूटान हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में देखेंगे, और इंडिया का किस किस फील्ड में भूटान के साथ संबंध है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा भूटान के का बेसिक थोड़ा जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। इसमें भूटान का कैपिटल है थिम्फू। रिलीजन यहाँ पे है बुद्धिज्म को सबसे अधिक फॉलो किया जाता है। 84.3% यहाँ की जो आबादी है बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और यहाँ पे हिंदुज़म है 11.3%, और बोन एक और यहाँ पे रिलीजन है 3.2%, यहाँ के बोन रिलीजन है। टोटल एरिया की बात किया जाए तो 38,394 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है पूरा भूटान। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया जाए तो ये इंडिया ही के बराबर है, मीडियम है 0.66। करेंसी यहाँ पे इंडियन रुपी भी यूज़ किया जाता है, प्लस नगुल तोम एक BETN करके करेंसी उसका भी यूज़ किया जाता है। और ये बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से, और इंडिया के साथ साउथ ईस्ट और वेस्ट से शेयर करता है। मतलब दो कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, एक चाइना और एक इंडिया के साथ। आगे चलते हैं, इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप किस किस फील्ड में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाई, एंड लास्ट में रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। और एट द एंड मैं बात करूंगा कि इंडिया के लिए भूटान कैसे इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो इंडिया का और भूटान का डिप्लोमेटिक रिलेशन 1968 से ही चलते आ रहा है। ठीक है, कई एग्रीमेंट किया गया, वहाँ के बायलेटरल एग्रीमेंट भी किया, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं इंडिया विजिट किए, इंडिया के ऑफिसर भूटान विजिट किए। एक ट्रीटी बनाया गया था, साइन किया गया था, वो था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1949 में किया गया था, बिटवीन दो कंट्री, दोनों कंट्रियों के बीच में साइन किया गया था। और ये ट्रीटी जो बनाया गया था इसका मुख्य कार्य था कि प्रोवाइड फॉर परपेटुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इक्वल जस्टिस टू ईच अदर सिटीजन। मतलब इसका मुख्य कार्य था कि लोगों का दोनों कंट्री में पीस इस्टेब्लिश हो, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश हो, दूसरा फ्रेंडशिप अच्छा बने दोनों कंट्री के साथ, फ्री ट्रेड हो सके दोनों के बीच में, कोई ज़्यादा परेशानी ना हो ट्रेड करने में, कोई ज़्यादा टैक्स ना ले, एक्साइज ड्यूटी ना पेमेंट करना पड़े, कॉमर्स के लिए इक्वल जस्टिस फॉर ईच अदर सिटीजन, मतलब हर दोनों कंट्री के सिटीजन का इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। ये इस एग्रीमेंट का मुख्य कार्य था जो मैं बताया था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कॉपरेशन जो 1949 को साइन किया गया था दोनों कंट्री। हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन में, तो देखा जाए तो इंडिया और भूटान का इकोनॉमिक कॉपरेशन काफ़ी हद तक बड़ा है, बढ़ा भी है, और बहुत अधिक मतलब पुराना एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है इन दोनों की कंट्रियों के बीच में। 1960 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान भूटान में शुरू किया गया था। उस समय इंडिया काफ़ी असिस्टेंट प्रोवाइड किया था भूटान को, प्लस लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 10th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने 100 बिलियन का असिस्टेंस भी दिया था भूटान को। और देखा जाए तो यहाँ इंडिया और भूटान के बीच में एक मेन प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसका डेवलपमेंट करने का भी कार्य इंडिया ने किया। उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि 3 ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट थे भूटान में जिसको इंडिया ने डेवलप किया था। वो था जो कि 1020 मेगावाट का टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तीसरा दूसरा है 336 मेगावाट का चुकला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और 60 मेगावाट का कुरिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ये तीनों प्रोजेक्ट जो है इंडिया के असिस्टेंस से भी डेवलप्ड किया गया है भूटान में। और इसका ये भी देखिए, इसका यूज़ भूटान ही नहीं करता है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, इसका यूज़ इंडिया भी करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी भूटान से भी आती है। और कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी काम पे चल रहे थे, लगभग 10 मोर प्रोजेक्ट जो थे कि अभी इस पर काम चल रहा है या चल रहा होगा या बन गया होगा, आप लोग सर्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इंडिया के साथ संबंध क्या है, जैसे इंडिया और भूटान के साथ संबंध ये है कि इंडिया भूटान इंडिया को काफ़ी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे एग्जाम इंडिया ने भूटान को 2008-2013 का जो उसका 10th 5 ईयर प्लान था उसमें भी उसने असिस्टेंस प्रोवाइड किया था 3,400 करोड़ का। ये कई प्रोजेक्ट थे उसमें, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ICT सेक्टर में, मीडिया, हेल्थ, हॉस्पिटल, एजुकेशन,
स्कूल कैपेसिटी बिल्डिंग एनर्जी एंड कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। 10th 5-year प्लान जो था भूटान का उसके। अब हम लोग बात करें ट्रेड विथ इंडिया, मतलब इंडिया के साथ कैसा ट्रेड है भूटान का, तो वो है देखो भूटान से इंडिया को क्या क्या मिलता है ट्रेड के जरिए। एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक है, फिर मेटल हो गया, आर्टिकल्स, मिनरल्स, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल, अल्कोहलिक बेवरेजेस, केमिकल, सीमेंट्स, टिम्बर्स, वुड प्रोडक्ट, कार्डमम, फ्रूट्स प्रोडक्ट, पोटैटोस और ऑरेंज, एप्पल, रॉ सिल्क, प्लास्टिक, रबर, ये सब प्रोडक्ट जो है इन भूटान से इंडिया को आता है। प्लस इंडिया भी भूटान को सेल करता है कुछ चीज़ें, जैसे एग्जांपल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, मिनरल प्रोडक्ट हो गया, वेस्ट मेटल्स हो गए, आर्टिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर्स, वेजिटेबल्स, नट्स, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, सॉरी, एनिमल प्रोडक्ट हो गया, केमिकल, वुड, प्लास्टिक एंड रबर्स, ये है इंडिया से भूटान को जाता है ट्रेड के जरिए। देखो हम लोग देख रहे हैं इंडिया और भूटान के बारे में, तो हम लोग भूटान को देखते हैं तो एक लैंड लॉक कंट्री है जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, तो उसको दूसरी कंट्री मतलब थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो इंडिया के साथ हो से जाके जाना पड़ेगा उसको, चाहे तो चाइना के साथ जाना पड़ेगा। चाइना अधिक पैसा मांगा ट्रेड करने के लिए दूसरी कंट्री से, इन भूटान से, तो वही इंडिया के साथ फ्री ट्रेड ट्रांजिट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ड्यूटी फ्री ट्रांजिट शुरू किया गया है भूटान इंडिया के जरिए, जो कि वो थर्ड कंट्री से भूटान आसानी से ट्रेड कर सकता है। इंडियन पोर्ट्स का यूज कर रहे, लाइक दिल्ली, लाइक हम लोग देख सकते हैं कोलकाता, हल्दिया का यूज कर सकता है, मुंबई का पोर्ट का यूज कर सकता है, चेन्नई का यूज कर सकता है, एंड दुबरी इज रेवराइन रूट इसका भी यूज कर सकता है। ये सब चीजें हैं जो को भूटान यूज करके ट्रेड कर सकता है थर्ड कंट्री के साथ, यह है ड्यूटी फ्री ट्रांजिट। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन में। इंडियन गवर्नमेंट जो भूटानीज स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है कि वहाँ ये आसानी से इंडिया में पढ़ाई कर सके, और प्लस भूटानीज गवर्नमेंट भी इंडियन को इसको इनक्रेज करती है कि भूटान में आके स्टडी करें। तो प्लस ये भी देखने को मिलता है कि दोनों कंट्री के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, 100 से ऊपर स्टूडेंट जो हैं इंडिया में पढ़ते हैं भूटान के, तो दो स्कीम है स्कॉलरशिप स्कीम है उसके जरिए पढ़ते हैं। एक तो नेहरू वांगचू स्कॉलरशिप स्कीम जो 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और न्यू भूटान ICCR स्कॉलरशिप स्कीम जो इम्प्लीमेंट किया गया था 2012 में, जो 48 भूटानी स्टूडेंट आर अंडर गोइंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन स्कीम इन इंडिया। मतलब काफ़ी स्टूडेंट इसमें पढ़ रहे होंगे इस जो लेटेस्ट डेटा के अनुसार, आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, इतना जानकारी दे। अब हम लोग बात करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट इंडिया भूटान का रिलेशनशिप में, मेन इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस भूटान पे बढ़ता जा रहा है, सबको पता है, जितने भी भारत के नेबरिंग कंट्री हैं उन पे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाहे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, इन सब पे भूटान चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, ठीक है, इन सब पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए भूटान के साथ संबंध इस्टेब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इंडिया का मैप देखेंगे, मैं आप लगा दूंगा, तो चिकन नेक कॉरिडोर है जो पतली सी है, लगभग 50 किलोमीटर की चौड़ाई होगी उसकी, उसमें से उस अगर भूटान पे कंट्रोल हो जाता है चाइना का, तो उसको पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे हैं 7 सिस्टर्स, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन पे टोटली कंट्रोल कर लेगा वो चाइना, और हम लोग का देश जो है बढ़ सकता है या उसको डिवाइड कर सकता है वो कंट्रोल करने के बाद उसको तोड़ के। तो इसलिए भूटान हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक रोल प्ले करता है चिकन नेक कॉरिडोर के लिए। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।